लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी मोटर के छींटे, वाचन समीर गोस्वामी का है। क्या नाम की प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट तिलक लगा, पीतांबर पहन, खड़ाऊ पांव में डाल, बगल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की साइत विचारनी थी, कम से कम एक कलदार का डॉल था, जलपान ऊपर से, और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, उनका महीने भर का नाश्ता मेरे एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं, ऐसा खिलाते हैं ऐसा खिलाते हैं, और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी शुदा गायब हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बालूशाही और मैं कहता जाऊं नहीं जजमान अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी, सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई, मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूं तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वो अलग, देह भ्रष्ट हुई वो अलग, आर्थिक क्षति जो हुई वो अलग। अगर मोटर वाले को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते, मन महसूस कर रह गया था। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था, अपना घर भी मील भर से कम न था। फिर आने जाने वाले सब मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन, घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेंगी। मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया, इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओहो, वही मोटर थी, शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। ज्यों ही समीप आई मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस बाजू पर गिरी, मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फेर किया, खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लगा, खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतर के मेरी तरफ आए और घूंसा तान कर बोले, सुअर हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई तो कीचड़ में भद से गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गर्दन पर 125 रद्दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई, ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भौहों पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी आप मर्दों के बीच में न पड़े, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी, मैंने बौखला कर डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। वो कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी, मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था, अब वो भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया, लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफी दो। मैंने कहा, हाँ पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यहीं खोपड़ी रंग दूंगा। बहुत होगा, 6 महीने की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छोड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं, और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं, आपने बड़ा अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है। साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आऊं फिर और दूं एक सोटा कसके। साहब ने घिघिया कर कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है, अब तो खुश हुआ।
दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय बोले, इससे कहिए थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा, नहीं कान पकड़कर उठाइए बिठाइए। चौथा बोला, और ड्राइवर को भी, ये सब बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो? चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ा। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों ही को कान पकड़कर उठाना बैठाना चाहिए और मैम साहब गिने। सुनो मैम साहब, तुमको गिनना होगा, पूरी 100 बैठ गए, एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहे हो जाए। दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, दो ने ड्राइवर महोदय को। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वो बैठ के लगाने लगा। साहब की अकड़ भी काफी थी, आप लेट गए और ऊल जुलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था, दिल में ठान लिया था कि इससे बिना 100 बैठ के लगवाए ना छोड़ूंगा। चार आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी, 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वो सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ जमीन नीची, गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी मत तोड़ो, हम उठे बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सभी को एक दिल लगी मिल गई थी, किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा, तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठ के लगानी शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मैम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मैम साहब ने जोर से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह साहब दिन भर कांखते रहेंगे और मैं न छोड़ूंगा। अगर उनको साकुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी, तो बैठ के लगाने लगे, 1, 2, 3, 4, 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, आप कभी मोटर पर न बैठेंगे। मुझे भी दया आ गई, बोला, नहीं मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, इतना ही कहता हूं कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती थी, मैंने इशारा किया, सब आदमियों ने दो दो पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सरक जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दो कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर कहा, गाड़ी से छींटे ना उड़ाया करो, समझे, चुपके से चले जाओ। ये महोदय बकबक तो करते रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूंछ हिलाए चलते बने। उनके जाने के एक ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया, गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर ये बेचारे भले आदमी थे, मजे से चाटे खाकर चलते बने। सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सबके सब दूर हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी मोटर के छींटे, वाचन समीर गोस्वामी का था।